चलिए देखिए आज क्या है। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया था। आज उससे आगे बात बढ़ेगी और आज क्या कराएंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे। तो टॉपिक आज का लिखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिखना, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ठीक है ना, अबाउट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ बेसिक्स बातें तो पिछली क्लास में हो गई थी। आज हम कुछ कंप्रिहेंसिव व्यू की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या आपके पास है, आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले लिखिए कंजम्पशन। सबसे पहले हेडिंग लिखिए कंजम्पशन। क्या पिछली क्लास में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड बताया था, सी प्लस आई होता है ठीक है, ये सब बताया था ना, ऑटोनोमस इंड्यूस्ड ये सब बताया था ठीक है। ठीक है, मैंने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड या फिर इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई। टू सेक्टर में, थ्री सेक्टर में जी भी होता है, फोर सेक्टर में एनएक्स भी होता है। लेकिन अगर मैं अभी टू सेक्टर की बात करूँ तो सी प्लस आई। इसमें मुझे पहले किसके बारे में पढ़ना है, कंजम्पशन के बारे में। इन सारे फैक्टर्स के बारे में एक एक बार बात होगी। पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंजम्पशन, फिर किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर एनएक्स। सब धीरे धीरे करके आगे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। अब तो आज स्पेशली डिस्कशन किस पे होगा, कंजम्पशन पे। और मुझे याद है कि मैंने पिछली क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बोल रखा है। मैंने कहा था सी इक्वल टू होता है, देखो, सी बार प्लस सी वाई। सी बार यहाँ पे है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और स्मॉल सी यहाँ पे है एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज कॉल्ड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ठीक है ना। इसको मैंने आपके सामने इस तरह से भी रख सकता हूँ। मान लीजिए इफ y इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अगर इनकम क्या है, जीरो है, तो क्या बंदा कुछ खाएगा, नहीं खाएगा। c इक्वल्स टू क्या है, c बार, क्या वो कंज्यूम नहीं करेगा, करेगा। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता है, कपड़े खरीदना भी, घूमना फिरना भी, सब क्या है, कंजम्पशंस में ही आता है। अगर आपकी इनकम जीरो है फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो कहाँ से कर रहे हैं, या तो आप डिस सेविंग कर रहे हैं, या आप लोन ले रहे हैं, जो बचे हुए पैसे हैं वो खा रहे हैं, या नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग। अगर मान लीजिए इफ सी बार आपका जीरो है, देन c इक्वल्स टू सी वाई। इफ सी बार इज जीरो, देन c इक्वल्स टू व्हाट, सी वाई। यहाँ पे आप जो कंज्यूम कर रहे हैं
वो आपके सी पे डिपेंड करता है, स्मॉल सी पे, और ये क्या है, एम पी सी है। और एम पी सी की वैल्यू क्या होती है, जीरो से ज़्यादा होती है और वन से कम होती है। कहोगे सर सी के बारे में और बताओ, चलो आ जाओ। स्मॉल सी को क्या लिख सकते हम, सी अपॉन वाई, नहीं लिख सकते, सी अपॉन वाई। याद रखना मैंने यहाँ पे सी बार को क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है। तो बताइए आपके पास जितनी भी इनकम होगी क्या सारा कंज्यूम कर लोगे। एग्जांपल लो, मान लिया आप 10,000 रुपये कमाते हैं, उसमें से 5,000 आप कंज्यूम करते हैं, तो आपने कितना परसेंट कंज्यूम किया, 50%। 50% का मतलब क्या, 0.50 मान गए। तो इस 0.50 क्या मान सकते हो आप, एम पी सी। इसका साफ मतलब है कि जितना आप कमाते हो उसका 50% क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। ये सिर्फ एग्जांपल है, आप 60% भी कंज्यूम कर सकते हो, आप 70% भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन रेयर होगा कि आप 100% कंज्यूम करेंगे, मान गए। अगर मैं आपको फिर से दोबारा दिखाऊं कंजम्पशन फंक्शन, तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सी बार प्लस सी वाई। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आप टोटल कंजम्पशन कितनी आपकी होगी, टोटल कंजम्पशन कितनी होगी आपकी। आप कहोगे सर जितनी हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है और जितनी हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड कंजम्पशन होगा, मान गए। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैं कहता हूँ बताओ चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा, चेंज इन सी बार प्लस सी इंटू चेंज इन वाई, यही होगा ना। लेकिन चेंज इन सी बार इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन सी बार इक्वल टू होगा जीरो। पूछो क्यों, क्योंकि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कभी चेंज हो नहीं सकता, तो चेंज इन सी बार क्या होगा, जीरो होगा। तो अल्टीमेटली चेंज इन सी इक्वल टू क्या हो गया, सी इंटू चेंज इन वाई, मान गए। चेंज इन सी इक्वल टू स्मॉल सी इंटू चेंज इन वाई। किसी किसी बुक में स्मॉल सी को अल्फा से भी डिनोट करते हैं, सॉरी बीटा से भी डिनोट करते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए आसान होगा सी मानना, क्योंकि एम पी सी को सी से डिनोट करना ज़्यादा आसान है। एक और बात करूँ, अगर मैं स्मॉल सी को अब यहाँ अकेले छोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इसी को क्या बोलते हैं हम, एम पी सी। कि अगर आपकी इनकम चेंज करेगी, अगर आपकी इनकम बदलेगी, चेंज होगी, बढ़ेगी, तो कितना कंजम्पशन बढ़ जाएगा, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, एम पी सी बोलते हैं। तो आपने देखा कि मैंने कितने तरीके से एम पी सी को समझा दिया आपको, बात समझ गए, ठीक है। यहाँ कुछ समझना चाहते हैं आप, जितनी बातें मैंने कही नहीं समझना चाहते हैं तो कम से कम दो बातें ज़रूर समझ लीजिए। वो ये है कि सर कंजम्पशन फंक्शन ये होता है, इसमें सी बार को ऑटोनोमस बोलते हैं, स्मॉल सी को एम पी सी बोलते हैं, और स्मॉल सी वाई को इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोलते हैं। बात समझ गए, वाई इक्वल टू वाई नॉट, सी इक्वल टू सी बार। अगर आपकी इनकम जीरो है तो आप कहाँ से कंजम्पशन करोगे, सी बार करोगे। ये कहाँ से करोगे, डिस सेविंग, या तो पुराने पैसे खर्च करोगे या लोन लोगे। लेकिन अगर आपकी सी बार जीरो है तो सी इक्वल टू क्या होगा, सी वाई होगा, ये स्मॉल सी है, और यही क्या आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, ठीक है ना। लेकिन 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 इसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से सी इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई। अगर मैं चेंज इन सी करूँगा तो चेंज इन सी बार प्लस चेंज इन सी वाई, चेंज इन सी बार क्या होगा, जीरो होगा। तो अल्टीमेटली सी बार की स्मॉल सी क्या होगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, दिस इज कॉल्ड वॉट, एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मान गए। इस टॉपिक का, इसको आप क्लास नंबर वन भी कह सकते हैं, लिख लेता हूँ मैं आपको, क्लास नंबर वन है ये, और ये पेज नंबर भी आपका वन है।
आगे बढ़ूं, तो क्या कंक्लूजन निकला इस पेज से अभी तक कि सर सी इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई होगा और एम पी सी क्या होगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई होगा। आइए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अब बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे y दिखाऊँ, यहाँ पे कंजम्पशन दिखाऊँ, तो कंजम्पशन कर्व ये होगा c इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई। क्यों सर? क्योंकि क्यों बताओ? क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो भी है ओरिजिन पे, ऑरिजिन पे आपकी इनकम जीरो भी है तो भी आप कंजम्पशन तो करते ही हो ना, तो भी आप कंजम्पशन तो करते ही हो ना, तो ये कंजम्पशन आप करते हो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सी बार होगा। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। एक लाइन अगर यहाँ ड्रॉ कर लें, इसको और आगे कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सी वाई स्मॉल सी, और ये क्या कहलाएगा सी बार, और ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन होगी सी बार प्लस सी वाई। ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, तो ए बी क्या होगी, टोटल कंजम्पशन, जो सी बार प्लस सी वाई के बराबर होगी। ठीक है, एम पी सी के बारे में बात हो गई है। अब आइए दूसरा टॉपिक लिखिए, कंजम्पशन एम पी सी के बारे में बात हो गई ना, दूसरा लिखिए ए पी सी के बारे में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यह क्या होगा सर? जब भी एवरेज आप निकालेंगे ना, तो आप जान लीजिए बेहद ही आसान है, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, ये क्या होता है, ये होता है आपका एपीसी, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। एपीसी बताने से पहले डिस्टिंग्विश करने के लिए एक छोटी सी बात और समझा दूं मैं आपको, ऊपर देखना ना, मान लो ये आपका पहले कंजम्पशन था और ये आपका दूसरा कंजम्पशन हुआ, हुआ ना, पहले इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब इतना ज़्यादा कर रहे हैं, देखो ना ये ज़्यादा कर रहे हैं ये, ठीक है ना, पहले कंजम्पशन थी इतनी, इस इतनी से इतनी ज़्यादा, मान लो ये पॉइंट क्या रख दूँ मैं, ये पॉइंट मैं सी रख देता हूँ, बड़ा सी या डी रख देता हूँ मैं, तो ए डी कंजम्पशन क्या हो रही है आपकी, अब ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, चेंज इन सी, और इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वाई, और ये चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई क्या है, इस लाइन का स्लोप है, एम पी सी है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई को एम पी सी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, समझ गए, मैं जितना पहले कंज्यूम करता था उतना ही अब मैं कंज्यूम कर, यहाँ दिखता हूँ तो उससे इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, ये ए सी और ये आपका ये ए डी वाला पॉइंट चेंज इन सी है और ये चेंज इन वाई है, इनको और इनको डिवाइड करो तो क्या मिलता है, एम पी सी, और एम पी सी क्या है, इस लाइन की स्लोप भी है। कहोगे सर स्लोप वाली बात समझ नहीं आई, देखो इसको तुम परपेंडिकुलर कहोगे, इसको तुम बेस कहोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वस टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वस टू होता है टेन थीटा, याद होगा मैथमेटिक्स में अगर आपको, तो और टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, बात समझ गए, यही स्लोप है, समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात, बस इतना समझ लीजिए
कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इक्वल्स टू एम पी सी एंड एम पी सी इक्वल्स टू वट स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। कभी भी मैं पूछूंगा आपको कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या है तो क्या कहोगे? एम पी सी। मान गए। आइए ए पी सी बात करते हैं। ए पी सी में टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम होता है। टोटल कंजम्पशन को किससे डिनोट करते हैं हम? सी से। टोटल इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से। तो सी अपॉन वाई होता है। मान गए, सी अपॉन वाई। अगर सी अपॉन वाई को मैं ग्राफ पे दिखाना चाहूँ तो सर कैसे होगा? देखो यहाँ, ये आपका कंजम्पशन कर्व है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई, है ना? ठीक है। कोई भी लाइन ओरिजिन से लो, मान लो मैं ओरिजिन से एक लाइन लेता हूँ और जो कंजम्पशन कर्व को जहाँ टच करता है, ये जीरो जीरो पॉइंट है, इसका नाम कुछ भी दे दो, क्या दे दोगे? ए रख दो। और ये कंजम्पशन कर्व है, इस लाइन को आगे तक क्या कह सकते हो? देखो, ध्यान देना, ये जो लाइन है ओरिजिन से यहाँ टच कर रहा है, इसका नाम दे दो बी, ठीक है ना? तो ओरिजिन से जो बी तक है, ये ओरिजिन, ओरिजिन को भी नेमिंग कर दो, ये ओ है। ये मैंने जीरो जीरो क्यों लिखा? क्योंकि ओरिजिन है, लेकिन सर नेमिंग क्या कर दिया मैंने? ओ। अब ये लाइन कौन सी हो गई? ओ बी हो गई। ओ बी लाइन का स्लोप क्या होगा? दिस अपॉन दिस, नहीं होगा। और ये क्या है? इसको दे दो मान लो सी। बी सी को क्या बोलेंगे हम? बी सी को बोलेंगे टोटल कंजम्पशन। ओ सी को क्या बोलेंगे? वाई। मान रहे बात को? इसका मतलब है, आप जानते हैं ए पी सी है क्या? ए पी सी है टोटल कंजम्पशन अपॉन वाई, है ना? और टोटल कंजम्पशन अपॉन वाई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना? स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व या कंजम्पशन लाइन, कंजम्पशन लाइन। देखो, आपकी कंजम्पशन लाइन कौन सी है? एसी है ना? एसी पे कौन सी पॉइंट है? बी है ना? बी को मैंने कहाँ से ज्वाइन कर दिया? ओ से। मतलब ओरिजिन से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो जो कंजम्पशन लाइन को टच करता है, तो उस लाइन की जो स्लोप होती है, ठीक है ना, वही स्लोप क्या कहलाएगा? ए पी सी कहलाएगा। एक बार फिर से पूछता हूँ, बताइए, ओरिजिन पे कौन सी पॉइंट है? जीरो। कंजम्पशन कर्व पे कौन सी पॉइंट है? बी। इस लाइन का नाम क्या है? ओ बी। इसका स्लोप क्या है? दिस अपॉन दिस। इसको क्या बोलते हैं? टोटल कंजम्पशन। इसको क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। इसका मतलब है कि टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम क्या होता है? ए पी सी होता है। और ए पी सी को क्या कहेंगे हम? स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट एंड कंजम्पशन लाइन। बात समझ गए? एक और एग्जाम्पल लो। मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ लेता हूँ मैं डी, और डी को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन कर दिया। अब इस डी पॉइंट पे आपकी टोटल कंजम्पशन कितनी है? सर डी ई है, सॉरी ई पॉइंट मानो इसको। ये कंजम्पशन कितनी है? डी ई पॉइंट है। टोटल कंजम्पशन डी ई है। कौन से पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। और टोटल इनकम कितनी है? सर ओ ई है। तो यहाँ पे टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम कितना हो जाएगा? डी ई अपॉन ओ ई हो जाएगा ना? देखो ना, डी ई अपॉन ओ ई, मानते हो? और इसको क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं ए पी सी। ये ए पी सी भी है और यही इस लाइन का, कौन से लाइन का?
ओडी का स्लोप भी है, ओडी का स्लोप भी है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे जवाब देना, किसी भी पॉइंट पे कंजम्पशन कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर एवरेज निकालना तो कैसे निकालोगे बताओ। कहोगे सर अगर किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए डी पे मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, तो बहुत साधारण सी बात है सर, डी को किससे ज्वाइन करवा देंगे, ऑरिजिन से, और उस लाइन की जो स्लोप होगी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही क्या हो जाएगा, एपीसी हो जाएगा। मान गए, तो मैं कोई भी कहीं पूछे तो मैं लिख देता हूँ, आप एपीसी है क्या, एपीसी है द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एपीसी एट अ पॉइंट, एपीसी एट अ पॉइंट द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट। अगर कंजम्पशन कर्व के किसी भी पॉइंट पे एपीसी निकालना हो तो क्या कहलाएगा वो, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन दैट कंजम्पशन कर्व, ये कहलाएगा आपको। अब देखिए इस बात को इस तरीके से समझिए कि एपीसी और एमपीसी को साथ साथ रख के समझिए क्या डिफरेंस है। देखिए एपीसी एमपीसी को साथ साथ रख के समझोगे तो वो क्या डिफरेंस है, अगर मैं एक कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करता हूँ सी इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई, और ये देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे मैं निकालता हूँ एक कंजम्पशन, यहाँ पे निकालता हूँ दूसरी कंजम्पशन। अगर मुझे एमपीसी निकालना है तो बहुत ही आसान है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अगर मुझे एपीसी निकालना है तो सर ऐसे नहीं निकलेगा, एपीसी कैसे निकलेगा सर, आप ये कौन सा पॉइंट मानते हो, कोई भी पॉइंट मान लो ना, आप क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से इसको ज्वाइन करवाओ सर, ये ब्लू लाइन की जो स्लोप होगी ना वो आपका एपीसी होगा एट दिस पॉइंट। मान लो ए लेता हूँ इसको, बी लेता हूँ और ये सी लेता हूँ, ये ब्लू लाइन की जो स्लोप होगी वो स्लोप होगी एपीसी एट पॉइंट व्हाट, बी। और ये दूसरी ब्लू लाइन देखो, इसकी जो स्लोप होगी एट पॉइंट सी वही एपीसी होगी। और एक बात नोटिस कर रहे हो कि एपीसी का स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एपीसी का स्लोप कम होता जा रहा है, पहले स्लोप ज़्यादा था अब स्लोप कम हो रहा है, जितना वो क्या होगा फ्लैटर होगा उतना ही स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब साफ सी बात है कि आप कहोगे सर इसका मतलब कंजम्पशन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या स्लोप मेरी कम होती जाएगी, एपीसी कम होती जाएगी, एपीसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक की बात अब समझ गए, काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने आपको इसको समझाने में, मेहनत किया, आप उम्मीद है कि समझ गए कम से कम यहाँ तक आप, ठीक है जी। अब देखिए एक चीज और, तो आपने भी क्या नोटिस किया कि एपीसी आपकी रिड्यूस कर रही है लेकिन एमपीसी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं लीनियर, ये कंक्लूजन में लिख रहा हूँ, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन लूंगा तो एमपीसी क्या रहेगा, विल बी कांस्टेंट एंड एपीसी will be reducing, वो कम होता चला जाएगा, APC will be reducing। मान गए, यहाँ तक की बात हो गई आपकी, चलिए
एमपीसी की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगी, कुछ देर पहले बात हुई थी ना, एमपीसी क्या हो सकता है, जीरो से ज़्यादा और वन से कम। यही बात एपीसी होगा, जीरो से ज़्यादा और वन से कम। लेकिन दोनों में फ़र्क इस बात का है कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी कांस्टेंट रहेगा, लीनियर लाइन की स्लोप भी क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन एपीसी क्या होगा, रिड्यूस करेगा। आपको दिख नहीं रहा है क्या, ब्लू लाइन क्या होता जा रहा है, रिड्यूस करते जा रहा है। अब आइए एक बात और देखिए, हेडिंग लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन नया टॉपिक आपका है एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी में एमपीसी नहीं सॉरी एपीसी में और एपीएस में क्या डिफरेंस। एपीएस के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, वैसे बहुत ही आसान है ये। देखो आप अगर एपीएस निकालना चाहते हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो क्या कहोगे, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। टोटल सेविंग कितना है, एपीएस है, और टोटल इनकम कितनी है, वाई है। और आप सेविंग कितना करेंगे, जितना कंज्यूम नहीं करेंगे उतना ही तो सेविंग करेंगे, ठीक है ना, जितना कंज्यूम नहीं करेंगे उतना ही सेविंग करेंगे। तो साफ सी बात है कि ए पी सी इक्वस टू क्या हुआ, सी अपॉन वाई, और ए पी एस इक्वस टू क्या हुआ, एस अपॉन वाई। अगर ए पी सी को और ए पी एस को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होता है, ये सी बाय वाई एस बाय वाई, सी प्लस एस बाय वाई, और सी प्लस एस इक्वस टू क्या होता है, वाई ही होता है ना, तो वाई बाय वाई इक्वस टू क्या हो गया, वन हो गया। मतलब ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वस टू क्या हो गया, वन हो गया। ए पी सी अपॉन ए पी एस इक्वस टू वन। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए पी सी क्या होगा तो क्या होगा, वन माइनस ए पी एस, और ए पी एस क्या होता है, तो वन माइनस ए पी सी, मान गए पक्की बात। यहीं पे ऊपर में एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि पहले बताया नहीं उसके बारे में आपको, और वो ये है, एक मिनट रुक जाइए बस। और वो आपका ये है, क्या है देखो, यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको कि एक रिलेशनशिप और बच गया था समझाने के लिए, क्या है वो पता है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। उल्टा बोल दिया क्या, ठीक लिखा है एमपीसी और ये एमपीएस लिखेंगे। एमपीसी इक्वल टू क्या होगा सर, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एम पी एस इक्वस टू क्या होगा सर, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। एम पी सी प्लस एम पी एस क्या होगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, होगा ना। तो सर जी बताओ अब क्या होगा, वाई कॉमन ले लो, तो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई हो जाएगा। और जानते हो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन एस क्या होता है, चेंज इन वाई होता है अपॉन चेंज इन वाई, तो क्या हो गया, वन हो गया। तो अल्टीमेटली एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वस टू भी क्या हुआ, वन हुआ। एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वस टू वन हुआ। ये सब एक बार समझने वाली चीज़ है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिलेबस में है तो मुझे डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना एक बार, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए,
एक टॉपिक लिखो, व्हाई शुड एमपीसी फॉल, व्हाई शुड एमपीसी फॉल विद द with the increase in income, increase in income. बात समझ में क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि एमपीसी क्यों कम होना चाहिए अगर इनकम बढ़ती जाएगी तो. ठीक है बच्चों, तुम मुझे ये बताओ, साफ सी बात, प्रैक्टिकल बात पूछता हूँ. अगर आप 10,000 महीना कमाते हैं तो क्या कुछ बचा पाओगे उसमें से? अगर 10,000 महीना कमाओगे तो क्या कुछ बचा पाओगे? लेकिन अगर 1,00,000 महीना कमाओगे तो क्या कर सकते हो? सेविंग कर सकते हो. अगर 10,000 महीना कमाओगे तो सेविंग करना मुश्किल होगा, लेकिन 1,00,000 महीना कमाओगे तो सेविंग कर सकते हो. क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदने का एक लिमिट होता है, कितना खरीदोगे आप. अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप सारा पैसा दूध, चावल, चीनी, चाय पत्ती में ही खर्च कर दोगे, कपड़े में ही खर्च कर दोगे. लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप एक कपड़ा कितनी बार खरीदोगे, एक चाय कितनी बार पी लोगे, तो निश्चित रूप से आपके कंजम्पशन के बाद भी इनकम बचने वाली है. तो फिर क्या हो जाएगी? आपकी सेविंग स्टार्ट होगी. इसका मतलब जैसे जैसे इनकम आपकी बहुत बढ़ती जाती है तो सेविंग्स बढ़ती जाती है और कंजम्पशन ऑटोमेटिक क्या होती है? कम होती चली जाती है. कंजम्पशन क्यों कम होती चली जाती है? क्योंकि बंदे की नीड एक बार पूरी हो गई तो कितनी बार वो खरीदेगा? मान लीजिए आपको एक फ्रिज चाहिए, आपने खरीद लिया तो कल फिर खरीद ले आओगे? जो भी आपको सामान घर में चाहिए एक बार खरीद लेने पर दोबारा आप 2-3 साल तक तो नहीं खरीदते हैं. ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा कमाने लग गए तो बस फ्रिज को क्या करो, सड़क पे पटक पटक के तोड़ दो और फिर से फ्रिज खरीद लो. ऐसा नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते. लेकिन इनकम तो आपकी हर महीने में बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे, आपकी सेविंग क्या होगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. तो यही वजह है कि वाई शुड एमपीसी फॉल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्यों गिरेगा विद द इंक्रीज इन इनकम. लिख लो दो पॉइंट यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड. आपकी बेसिक नीड क्या हो गई है? पूरी हो चुकी है. दूसरा वर्ड क्या? कॉन्स्टेंसी ऑफ हैबिट. इसका मतलब यह है कि बचपन से जो आपकी खान पान, रहन सहन होती है उसमें इंसान जल्दी बदलाव नहीं करना चाहता है. अगर मान लीजिए कि आपको बचपन से ही आदत लगी हुई है कि रोटी सब्जी बहुत पसंद है, आप 50,000 कमाते हैं तो भी रोटी सब्जी खाते हैं, आप 2,00,000 कमाएंगे तो भी क्या खाएंगे? ऐसा नहीं कि आप रोटी सब्जी बंद कर देंगे, रोज़ कहाँ जा खाएंगे, होटल्स में ही खाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपकी फूड हैबिट क्या हो चुकी है? रोटी सब्जी हो चुकी है. तो जो बंदे की कॉन्स्टेंट हैबिट होती है ना, वो उसके वजह से भी बंदा एक लिमिटेड खर्चा ही कर पाता है, पैसा होते हुए भी ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाता है, कॉन्स्टेंट हैबिट. तीसरा लिखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम इन द पास्ट. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम इन द पास्ट. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम इन द पास्ट. इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट में आपकी क्या खर्च थी और क्या इनकम थी. अगर बहुत ज़्यादा इनकम ऑलरेडी पास्ट में थी आपकी और आपकी इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से कंजम्पशन आपकी नहीं बढ़ेगी. मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए पिछले साल में 2,00,000 रुपये महीना कमाते थे आप, इस साल आपकी इनकम 2,50,000 रुपये महीना हो गई,
तो जो 50,000 इनकम आपकी बढ़ गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कंजम्पशन ज़्यादा करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि 2 लाख रुपए से ही आप इतना कंज्यूम कर रहे थे कि वो सफिशिएंट था आपके लिए, ठीक है ना। अच्छी खासी इनकम थी, आप पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, तो 2.5 लाख में भी और क्या करोगे आप, ज़्यादा सेविंग्स ही आपकी होगी, कंजम्पशन कहाँ से हो पाएगी। बात समझ गए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती आती है कंजम्पशन अपने आप कम होता चला जाता है। फोर्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। ये बहुत बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग जो कमाता है उसमें से कुछ बचाता है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। लोग सारा खर्च करना पसंद नहीं करता है, तो इससे भी क्या होती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी MPC कम होती चली जाती है, मान गए। और इन्हीं सब साइकोलॉजी को ध्यान रख करके, इंसान की साइकोलॉजी को ध्यान रख करके कीन्स ने क्या बनाया था, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बनाया था, थ्योरी दिया था आपको, समझ गए ना। इन्हीं सब साइकोलॉजी को ध्यान रख के कीन्स ने एक थ्योरी दिया था, उसका नाम क्या था देख लो, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इंसान की इसी हैबिट को ध्यान रख करके। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इसी बात को ध्यान रखते हुए बनाया गया, इंसान की इसी हैबिट को। और इस हैबिट को किसने जज किया, कीन्स ने, और कीन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आपके सामने रखा। और यही से मार्जिनल प्रोपेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी सामने आया, ठीक है। लिखिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में लिख लो। द लॉ गिवन बाय कीन्स ऑन द रिलेशनशिप ऑफ aggregate consumption and income, on the relationship of aggregate consumption and income, aggregate consumption and income के ऊपर जो एक relationship बनाया, ठीक है ना, present किया, उसी law को क्या कहते हैं हम, psychological law of consumption is called psychological law of consumption। आपको ऊपर लिखा हुआ ही साइकोलॉजिकल ना, इसमें शॉर्ट लिख के छोड़ दिया यहाँ पे PSY, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। बात समझ गए। लेकिन इस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए कीन्स ने कुछ एजम्पशंस रखे हैं। आप जानते हैं जब भी कोई लॉ आता है तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस भी साथ में आता है, बात समझ गए। लिखो सर्टेन एजम्पशंस, क्या एजम्पशन साथ में आया, पहला एजम्पशन लिखो, नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। No change in psychological and institutional complex। आप हमसे कह सकते हो ना सर, लॉ ने इंसान की साइकोलॉजी स्टडी करी कीन्स ने, तो उसने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया। हो सकता है कि इंसान की साइकोलॉजी क्या हो जाए, चेंज हो जाए समय के साथ, ऑफ कोर्स चेंज होता भी है, लेकिन कीन्स ने क्या कर दिया, उसको कांस्टेंट मान लिया, इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स को भी कांस्टेंट मान लिया। दूसरा लिखिए नॉर्मल कंडीशंस,
नॉर्मल कंडीशन से मतलब ये है कि आप ये समझ लेना कि कोई फ्लड नहीं है, कोई क्वेक नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं है, कोई ड्राउट नहीं है, नॉर्मल सा कंडीशन है। क्योंकि अगर स्पेशल कंडीशन होगा तो इंसान का कंजम्पशन पैटर्न क्या होता है, चेंज हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। तीसरा लिखो, प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बेस्ड ऑन LAISEZ एंड लेसेस फेयर मॉडल, बेस्ड ऑन देखो प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मतलब ये हुआ कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ है या अमेरिका है मान लो, ठीक है ना, वो सब सोसाइटी जो डेवलप्ड सोसाइटी है, उसी सोसाइटी में ही ये कीन्स के लॉ पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगे, अप्लीकेबल होंगे। जहाँ पे पूरा डेवलप्ड सोसाइटी है, लोगों की इनकम अच्छी खासी है और सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, समझ गए ना, तो वहीं पे ये कीन्स के लॉ 100% आपको दिखाई देंगे। ये ऐसा मान के चल रहा है कि प्रॉस्परस कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। अगर कोई सोशलिस्ट इकॉनमी है, अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, तो वहाँ पे कीन्स के लॉ आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये बात तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाता है नॉर्मल कंडीशंस। जो सोशलिस्ट है, जो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे कंडीशंस तो नॉर्मल नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ज़्यादातर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में इंटरप्ट करना पड़ता है। जैसे ही गवर्नमेंट इंटरप्ट करेगी, इकोनॉमिक्स फ्री रह नहीं पाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लम तो होगी होगी, सबके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं। इस तीन कंडीशंस को ध्यान में रख कर के ही कीन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बनाया और वो आपके सामने रखा, ठीक है ना, ये पूरी बात है। अगर आपसे पूछा जाए, आपको सर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशंस ऑफ कीन्स, तो लिखना पड़ेगा, एंड व्हाट आर देयर अजम्पशंस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, राइट। तो इसके बेसिस पे ही आपको कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरी दी है। आइए, लेकिन इसके अलावा भी, कीन्स के अलावा भी आने वाले उसके बाद वाले वक्त में लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया है, तो कुछ थ्योरीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करते चले जाता हूँ। सबसे पहला लिखिए, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, देखो जो ये थ्योरी आया है, ये भी मैंने अभी क्या बोला था कुछ देर पहले कि कीन्स के अलग ये थ्योरीज है, नहीं, कीन्स के फॉलोअर ने ही कीन्स के मॉडल के बेसिस पे ही आपको क्या दिया है, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी दिया है। बात समझ गए, कीन्स के मॉडल पे ही। लिखिए यहाँ पे, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, ये लिखो, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन कीनीशियन स्कूल ऑफ थॉट। बेस्ड ऑन कीनीशियन स्कूल ऑफ थॉट, बात समझ गए, कीन्स के स्कूल ऑफ थॉट पे ही बेस्ड है ये। पोस्टुलेट्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्लान्ड
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लांट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड एंड देयर एब्सोल्यूट करेंट इनकम, देयर एब्सोल्यूट करेंट इनकम एंड देयर एब्सोल्यूट करेंट इनकम, जो एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी है उसी के बेसिस पे आया है। देखो एब्सोल्यूट इनकम का मतलब यहाँ क्या है, अगर हम आप अपने इनकम को किसी और के इनकम के साथ या पास्ट या प्रेजेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, आज आपकी कितनी इनकम है सिर्फ उसी की बात करते हैं, तो वो कौन सी इनकम हो गई आपकी, एब्सोल्यूट इनकम। बात समझ गए? और जो आज का आपका कंजम्पशन है वो आपके आज के इनकम पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। और ये केनिशियन स्कूल ऑफ थॉट पे डिपेंड करता है। और ये क्या साबित करता है, क्या दिखाता है कि प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड की है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, इनकम के साथ, एब्सोल्यूट करंट इनकम के साथ। मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो पहले भी पढ़ चुका हम लोग, ठीक है ना, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, भले थोड़ी सी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। ये बात और है कि जिस रफ्तार से इनकम बढ़ेगी उस रफ्तार से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, डायरेक्ट रिलेशनशिप। बात समझ गए? हायर द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, देखो हायर द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट करेंट इनकम, हायर द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट करेंट इनकम, हायर विल बी कंजम्पशन। हायर द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, हायर विल बी कंजम्पशन। एब्सोल्यूट इनकम ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ गए? तो अल्टीमेटली अभी जितनी भी बातें कंजम्पशन के बारे में सीखा है सब एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी पे बेस्ड था, ठीक है ना। अब आगे लिखिए, कीन्स के अलावा भी कुछ लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उसमें सबसे पहला नाम किसका लिखिए, सबसे पहला रिलेटिव इनकम थ्योरी। देखो एब्सोल्यूट के बारे में मैं अभी कुछ देर पहले क्या कहा था कि आप किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, आज आपकी क्या इनकम है उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। लेकिन अब एक नया थ्योरी आपके सामने लिख रहा हूँ और वो क्या है, रिलेटिव इनकम थ्योरी। देखिए रिलेटिव इनकम थ्योरी, रिलेटिव इनकम थ्योरी लिखिए क्या है, कीन्स के अलग ये थ्योरी है, ये मत समझना कि एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी है। पहले लिख लो कुछ बातें, लिखो ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, इसका नाम लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्यों लिखोगे, दिस थ्योरी लिख लो, explains the functional relationship between functional relationship relationship between this theory explains the functional relationship between इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स,
इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ये आपको इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। ये कहता है इट इज नॉट द एब्सोल्यूट इनकम, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट इनकम। एब्सोल्यूट इनकम के बारे में किसने कहा था? कीन्स ने। लेकिन अब जो बंदा ये थ्योरी लिखा है उसने क्या कहा? इट इज नॉट द एब्सोल्यूट इनकम ऑफ हाउस होल्ड डिटरमिन, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट इनकम ऑफ हाउस होल्ड डिटरमिन द, एक मिनट भेजो, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट इनकम ऑफ द हाउस होल्ड डिटरमिन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये एब्सोल्यूट इनकम नहीं है जो बंदे का लेवल ऑफ कंजम्पशन डिसाइड कर रहा हो, बट देयर रिलेटिव इनकम, और इनकम इन रिलेशन टू, इनकम इन रिलेशन टू देयर, टू देयर नेबर, टू देयर नेबर। हेलो, टू देयर नेबर, ठीक है ना? यहाँ तक समझ गए? ये कह रहा है कि एक बार फिर समझ लीजिए, वो कहता है एब्सोल्यूट इनकम नहीं, जो बंदे की रिलेटिव इनकम है वो डिसाइड करता है, बंदे की रिलेटिव इनकम है। मतलब ये साफ बात है, अगर मान लो, एग्जांपल समझ लो, अगर मान लो आपका घर जो है किसी बड़े अमीर इंसान के बगल में है, और बड़े अमीर इंसान की कमाई कितनी है, सपोज़ कर लो उसकी कमाई है 10 लाख रुपये पर मंथ, आपकी कमाई कितनी है 2 लाख रुपये पर मंथ। 10 लाख रुपये पर मंथ के सामने में आप तो कुछ नहीं कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, लेकिन फिर भी आप 10 लाख कमाने वाले इंसान की नकल करोगे, उसके रहन सहन जैसे अपनी रहन सहन करोगे, ठीक है ना? आप उसके कंजम्पशन पैटर्न को मैच करने की कोशिश करोगे। और ऐसा होता है, आप इंसान की साइकोलॉजी को स्टडी करो तो ऐसा होता है, जो जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में उनकी इनकम कम भी होती है, फिर भी उस सोसाइटी के हिसाब से क्या करता हो, कंजम्पशन पैटर्न को, एक्सपेंडिचर को मैच करने की कोशिश करता है। तो भले उसकी इनकम कम थी, लेकिन फिर भी उसने अपने नेबर की इनकम को देखा और उसके कंजम्पशन पैटर्न को मैच करने के लिए खर्चा किया। बात समझ गए? अगर कीन्स की बात की जाए तो कीन्स क्या कहता है, 10 लाख वाला 10 लाख के हिसाब से खर्चा करेगा और 2 लाख वाला 2 लाख के हिसाब से खर्चा करेगा। 10 लाख वाला ना तो 2 लाख को देखेगा और ना 2 लाख वाला 10 लाख की तरफ नज़र उठाएगा, ठीक है ना? अपना जो एब्सोल्यूट इनकम है, अपनी जो खुद की कमाई है, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर प्लान करेगा। लेकिन जो थ्योरी ये भी दिया है ना, वो भी सही कह रहा है, ऐसा नहीं है। 10 लाख वाले भले 2 लाख को फॉलो करे ना करे, लेकिन 2 लाख वाला ज़रूर 10 लाख वाले के कंजम्पशन पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है ना? अगर उसको फॉलो नहीं करता तो ज़रूर उसकी सेविंग कुछ अच्छी खासी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं करेगा, लेकिन अपनी सोसाइटी के लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है ना? तो क्या कहा उसने कि ये एब्सोल्यूट इनकम नहीं बल्कि रिलेटिव इनकम, उस पर डिपेंड करता है। तो कहोगे सर सच क्या है इसका मतलब? सच दोनों अपने अपने जगह पे है,
कुछ ये भी सच है, कुछ ये भी सच है। मैं ये बताता हूँ आपको, अगर उसी जगह कोई बंदा मान लो 50,000 महीना कमाता है, तो चाह करके भी वो 10 लाख या 2 लाख वाले को फॉलो नहीं कर सकता है। वो अपने इनकम के हिसाब से ही क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। भले वो उस सोसाइटी में रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं कर सकेगा। इसलिए ये भी सही है कि लोग अपने इनकम के हिसाब से प्लानिंग करता है, और ये भी सही है कि लोग दूसरे के इनकम के हिसाब से भी प्लानिंग करता है। सच्चाई कहाँ है, तो इन दोनों के बीच में है। दोनों स्वभाव सही है इंसान के, बात समझ गए। तो यह रिलेटिव इनकम थ्योरी। तो रिलेटिव इनकम थ्योरी के बाद आइए नेक्स्ट देखिए, एक है परमानेंट इनकम थ्योरी। परमानेंट इनकम थ्योरी, इसका मतलब क्या है सर? देखो ये कह रहा कि कोई बंदा जो कंजम्पशन करेगा ना, वो अपनी परमानेंट इनकम के हिसाब से करेगा। बात समझ रहे हो? अपनी परमानेंट इनकम के हिसाब से करेगा। एग्जांपल ले लो, मान लो कोई बंदा प्राइवेट नौकरी करता है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं है, समझ गए, और वो सपोज करो 1 लाख महीना कमाता है। उसके बावजूद भी उसको पता है कि उसका नौकरी परमानेंट नहीं है, उसके नौकरी कभी भी छूट सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, तो वो अपनी कंजम्पशन पैटर्न को क्या करेगा, लिमिटेड रखेगा। क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि अगले साल नौकरी रहनी है कि नहीं रहनी है, बात मान गए। तो वो अपनी कंजम्पशन पैटर्न को उस तरह से करेगा कि थोड़ा कम कंज्यूम करो, सेविंग भी करो, किसके लिए, रेनी डेज के लिए, ग्रे पीरियड के लिए, समझ गए ना, राइट। लेकिन अगर मान लो कोई सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में ही फिक्स नौकरी में, उसकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, उसकी इनकम भले उससे 50,000 होगा, 60,000 होगा, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा फ्रीडम से क्या कर सकेगा, कंज्यूम कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पूरे लाइफ टाइम इनकम मिलने वाला है, बात समझ गए। दूसरी बात, मान लीजिए कोई बंदा 3 लाख महीना भी कमाता है, मान लो कि आपका फ्रेंड 3 लाख रुपये महीना कमाता है, और आप जो हो सो उससे बहुत कम कमाते हो, 1 लाख रुपये महीना कमाते हो सपोज करो, लेकिन हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपके ऐसा खर्च ना कर पाए, क्योंकि आपके पास परमानेंट एसेट्स भी है, वेल्थ भी है, ज़मीन जायदाद है, पेरेंट्स के द्वारा बहुत सारा संपत्ति आपके पास है, आप ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे एसेट्स पे खड़े हो, बहुत वेल्थ पे खड़े हो, और उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो 3 लाख भी कमाता है, फिर भी वो क्या कोशिश करेगा, पहले घर लेगा, ज़मीन लेगा, जायदाद लेगा, कुछ तो स्टेबिलिटी गेन करेगा, कि सारा खा लेगा वो नहीं करेगा ना, तो उसके पैसे उसमें चले जाएंगे। लेकिन आपके पास सेंस ऑलरेडी सब कुछ है, तो आप 1 लाख में भी अपनी कंजम्पशन क्या कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, वो 3 लाख में भी उतना नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट इनकम थ्योरी, बात समझ गए। आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है आपके परमानेंट इनकम पर भी डिपेंड करता है, और ये बात भी सच नहीं है, सच बताओ। देखो इसको भी एक दो सेंटेंस में लिख लो, और क्या है, देखो परमानेंट इनकम थ्योरी, टेल्स दैट कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ कंज्यूमर, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन देयर परमानेंट इनकम, डिपेंड्स ऑन देयर परमानेंट इनकम, किस पे डिपेंड करता है, उसके परमानेंट इनकम पे। इफ समबडी हैज मोर वेल्थ बट लेस रेगुलर इनकम, इफ समबडी हैज मोर वेल्थ बट लेस रेगुलर इनकम मे हैव
मोर कंजम्पशन, मोर कंजम्पशन इन कंपैरिजन टू समवन हु हैव मोर इनकम बट लीस्ट वेल्थ। इनकम तो ज़्यादा है लेकिन वेल्थ उसके पास क्या है, बहुत कम है, तो उससे बेटर होगी उसकी कंजम्पशन। समझ गए ना, दिस इज कॉल्ड परमानेंट इनकम थ्योरी। और जो ये थ्योरी दिया था वो किसने दिया था, इसका नाम बहुत है इकोनॉमिक्स में, इसको लिखना जरूरी है आपके लिए। इसको ये दिया था मिल्टन फ्रीडमैन, इसने काफ़ी सारे चीज़ काफ़ी सारा थ्योरी दे रखा है खासकर मनी में, मिल्टन फ्रीडमैन ने। बात समझ गए, यहाँ तक ही बात है। अब इसके बाद इसमें नया टॉपिक भी आता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी और सब कुछ बातें इसमें छोटी छोटी बच गई है। आज हम कोशिश भी करेंगे तो इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।